हेलो डियर स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू वाई बी बायोलॉजी क्लासेस आज की क्लास में हम बात करेंगे अबाउट इननेट एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी और उनके कंपोनेंट्स के बारे में तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद इननेट इम्यूनिटी इननेट इम्यूनिटी क्या है ये एक नेचुरल इम्यूनिटी है हमारी बॉडी की जो हमें बर्थ से ही मिलती है कि ये इनबोर्न इम्यूनिटी है जैसे ही हम पैदा होंगे ये हमें इम्यूनिटी मिलेगी तो ये बाय बर्थ हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती है ये कोई स्पेसिफिक टाइप ऑफ इम्यूनिटी नहीं है ब्रॉड पैटर्न रिकॉग्निशन टाइप ऑफ इम्यूनिटी है कि ऐसा नहीं कि सिर्फ़ एक टाइप के पैथोजन के अगेंस्ट ये काम करेगी ये जितने भी टाइप के एंटीजन है उनके अगेंस्ट हमारी बॉडी में काम करती है ये हमारी बॉडी को जनरल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाएगी इमीडिएटली एक्टिव होने वाली है बट जनरल प्रोटेक्शन देगी ये कि जैसे ही हमारी बॉडी में कोई भी एंटीजन एंटर किया नॉन सेल्फ मोलिक्यूल एंटर किया तो ये तुरंत ही एक्टिवेट होगी और एक जनरल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाएगी ये हमारे एंटीजन एक्सपोजर से पहले ही हमारी बॉडी में एक्टिवेट रहेगी जो जैसे जो मैक्रोफेज है फेगोसाइटोसिस करती है किसके ऊपर बैक्टीरिया के ऊपर पैरासाइट के ऊपर फंगस के ऊपर वायरस के ऊपर एपोप्टोटिक बॉडीज़ के ऊपर तो जो मैक्रोफेज़ हैं वो हमारी बॉडी को एक ये हमारी बॉडी में इनबोर्न प्रेजेंट होती है एट द टाइम ऑफ बर्थ प्रेजेंट होती है और देखो ये कितनी सारी चीज़ के अगेंस्ट की फंगस है बैक्टीरिया है वायरस है एपोप्टोटिक बॉडी है बैक्टीरिया वायरस पैरासाइट सब अगेंस्ट ही ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम में हमारी बॉडी को जो इम्यूनिटी है वो प्रोवाइड करवाती है ऐसे ये स्पेसिफाइड नहीं है अब कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं इनट इम्यूनिटी के तो सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिकल बैरियर की फिजिकल बैरियर में म्यूकस मेम्ब्रेन आती है म्यूकस मेम्ब्रेन, स्किन सलाइवा टीयर्स डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं सीलिया है हेयर है केमिकल सीक्रेशन है, है हमारी बॉडी के स्टमक का जो एच है ये सारे फिजिकल बैरियर क्या करते हैं कि एंटीजन की जो एंट्री है उसे प्रिवेंट करते हैं जैसे कि म्यूकस एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू है गट एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू है माल्ट एंड गाल्ट ये हमारे प्राइमरी जो फिजिकल बैरियर है उनमें आते हैं कि ये क्या करेंगे कि ये पूरी पूरी कोशिश करते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर एंटीजन प्रेजेंट ना हो म्यूकस मेमब्रेन का जो म्यूकस है वो एंटीजन को बाहर ही ट्रैप करके रख देगा स्किन की कवरिंग uh, की वजह से हमारी बॉडी में डायरेक्ट एंटीजन नहीं घुस पाता हमारा जो स्लाइवा है उसमें एंटीजन को मारने की कैपेसिटी है टीयर्स है उसमें लाइसोजाइम प्रेजेंट है उसकी वजह से जो एंटीजन है वो किल होंगे डाइजेस्टिव एंजाइम है जो हमारे पेप्सिन है ट्रिप्सिन है देन हमारे स्टमक के अंदर एच है बहुत सारे हमारे बॉडी के केमिकल सीक्रेशन है हेयर है सीलिया है ये हमारी बॉडी के अंदर एंटीजन को एंटर होने से प्रिवेंट करते हैं दूसरा कंपोनेंट कौन सा है कि इंटरनल डिफेंसर सेल जैसे कि मैक्रोफेज है डेंड्राइटिक सेल है न्यूट्रोफिल है नेचुरल किलर सेल है इस्नोफिल है बेसोफिल मास सेल है इनके बारे में हम एक एक करके सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम में अच्छे से डिटेल में पड़ चुके हैं ये क्या करते हैं ये पैथोजन को किल करने का काम करते हैं जो इन्नेट इम्यून रिस्पॉन्स है वो एक्टिवेट करता है फर्दर एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स को देन ब्लड के प्रोटीन जैसे कि कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन पहले वो इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होंगे जैसे ही उनका एक्टिवेशन होगा वो जो एंटीजन है उसे किल करने लगेंगे तो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में कॉम्प्लीमेंटेशन सिस्टम में हम अच्छे से इन कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन के बारे में एक एक करके बारे में अच्छे से डिटेल में पढ़ चुके हैं देन इंट्राफेरोन है डिफेंसिन है लाइसोजाइम uh, है ये ब्लड प्रोटीन हमारे ब्लड में प्रेजेंट हैं और ये क्या करेंगे कि जो जैसे ही कोई एंटीजन आएगा उसे ये मारने का काम करेंगे ये यहाँ पर ब्रॉड पैटर्न रिकॉग्निशन है तो ब्रॉड पैटर्न रिकॉग्निशन के लिए रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं जैसे कि टोल लाइक रिसेप्टर टी ये रिकॉग्नाइज करते हैं डिफरेंट पैटर्न को पैथोजन के ऊपर पी ए एम पी पैथोजन एसोसिएटेड मोलिकुलर पैटर्न डी एम पी डैमेज एसोसिएटेड मोलिकुलर पैटर्न की जो ये जो ये टी एल आर है टोलाइक रिसेप्टर है ये पी एम पी डी एम पी को अच्छे से पहचान के कि जो पैथोजन के ऊपर अलग अलग तरीके के जो रिसेप्टर हैं जो पैटर्न बने हुए हैं उनको रिकोगनाइज़ करेंगे और ये बहुत सारे तरीके के जो पैटर्न हैं उन्हें रिकोगनाइज़ कर सकते हैं जैसे कि पेप्टिडोग्लाइकन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के ऊपर पैप्टिटोग्लाइकन को ये रिकॉग्नाइज कर सकते हैं लिपोपोलीसेक्राइड को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं बैक्टीरिया के जो लिपोप्रोटीन है उन्हें रिकॉग्नाइज कर सकते हैं जो बैक्टीरिया के जो फ्लैजिला हैं उन्हें रिकॉग्नाइज कर सकते हैं और यहाँ पर जो मेमोरी रिस्पॉन्स होता है वो काफ़ी लिमिटेड होता है कि एक बार एनकाउंटर करने के बाद जो मेमोरी बनती है वो काफ़ी लिमिटेड अमाउंट में मेमोरी बनेगी यहाँ पर जो डाइवर्सिटी है वो भी लिमिटेड है डाइवर्सिटी की ज़रूरत ही नहीं क्योंकि डाइवर्सिटी में क्या है कि ये खुद ही क्या कर रहा है कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम पे किल कर रहा है एंटीजेंस को तो डाइवर्सिटी की ज़रूरत ही नहीं जैसे टोल लाइक रिसेप्टर है ये अकेला बहुत सारे एंटीजन को किल कर देगा तो यहाँ डाइवर्सिटी की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती ये जो इन्नेट इम्यूनिटी है ये हमारे प्राइमरी डिफेंस सिस्टम है ये हमेशा हमारी बॉडी में एक्टिव रहेगा हमेशा ये प्रेजेंट रहेगा इसकी वजह से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात क्या है कि कोई ऑटो इम्यून डिसऑर्डर नहीं होती है ड्यू टू इन इम्यूनिटी देन हम बात करते हैं अडेप्टिव इम्यूनिटी की तो जो अडेप्टिव इम्यूनिटी है वो हाईली स्पेसिफिक इम्यूनिटी है ये एंटीजन के एक्सपोजर के बाद में एक्टिवेट होगी धीरे धीरे एक्टिवेट होगी लेकिन स्ट्रांग प्रोटेक्शन देगी और ये हमारी बॉडी में काफ़ी लंबे टाइम तक एक्टिव रहेगी एंटीजन के एक्सपोजर के बाद में मेमोरी सेल फॉर्मेशन किया यहाँ मेमोरी सेल फॉर्मेशन बन होती है कि मेमोरी सेल्स बनती हैं बी सेल टी सेल मेमोरी सेल की फॉर्मेशन होगी और मेमोरी सेल्स हैं वो प्राइमरी इन्फेक्शन के टाइम पे प्रोड्यूस होंगी प्रोवाइड करती हैं ये मेमोरी सेल लाइफ लॉन्ग प्रोटेक्शन टू री इन्फेक्शन विद सेम पैथोजन और फास्ट रिस्पॉन्स होता है कि जैसे एक बार किसी भी पैथोजन ने हमारी बॉडी में एंटर किया और उसके अगेंस्ट एक्वायर्ड इम्यूनिटी काम करी और वो एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या करेगी कि मेमोरी सेल को बना देगी कि अगर फ्यूचर में फिर से उसी पैथोजन से री इन्फेक्शन हुआ तो आगे चल के वो जो मेमोरी बी सेल हैं वो बी सेल और टी सेल प्लाज्मा बी सेल टी सेल में कन्वर्ट होके और फर्दर एंटीबॉडी की जल्दी से फॉर्मेशन करके और जो फास्ट रिस्पॉन्स है वो प्रोड्यूस करेंगी सेल्स ऑफ अडेप्टिव इम्यूनिटी कौन सी है लिफोसाइट है बी बीलिम्फोसाइट और टी लिफोसाइट जो बी लिम्फोसाइट और टी लिफोसाइट है इसमें बी बीलिम्फोसाइट में हमें बी सेल के बारे में बात करेंगे टी टीलिम्फोसाइट अलग अलग तरीके की होती हैं टी हेल्पर सेल टी साइटोटॉक्सिक सेल एंड टी रेगुलेटरी सेल इनके बारे में हम बात कर चुके हैं सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम में बॉडी ब्लड प्रोटीन के अंदर जो एंटीबॉडीज़ हैं वो आएंगी इसके कंपोनेंट में यहाँ पर हाई डाइवर्सिटी प्रेजेंट होती है डाइवर्सिटी इन रिकॉग्निशन ऑफ डिफरेंट एंटीजन कन्फर्मेशन की अलग टाइप के एंटीजन के लिए अलग टाइप की हमें एंटीबॉडी चाहिए जैसे कि इस टाइप के एंटीजन को के रिकॉग्नाइज करने के लिए इसके लिए अलग एंटीबॉडी चाहिएगी इसके, इसके लिए अलग इसके लिए अलग तो जो ये एपिटोप्स है अलग अलग तरीके के जो एपिटोप्स हैं पैथोजन के ऊपर उनको रिकॉग्नाइज करने के लिए अलग अलग टाइप की हमें एंटीबॉडी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी इसलिए हमें यहाँ डाइवर्सिटी ज़्यादा चाहिए वेरिएशन ज़्यादा चाहिए और ये डाइवर्सिटी किस वजह से आप आती है ड्यू टू वी डी जे रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस के थ्रू इसके अलावा जंक्शनल फ्लेक्सिबिलिटी सोमेटिक हाइपर म्यूटेशन और भी बहुत सारे रीज़न होते हैं लेकिन जो सबसे मेन रीज़न है वो क्या है वी डी जे रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस इसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ रिसेप्टर प्रोड्यूस होंगे और वो रिसेप्टर रिकॉग्नाइज करेंगे अलग अलग टाइप के एपिटोप्स को जैसे कि जो बी सेल रिसेप्टर है वो टेन टू इलेवन टाइप्स के एपिटोप को रिकॉग्नाइज कर सकता है जो टी सेल रिसेप्टर है वो टेन की ट्वेल्व टू थर्टीन टाइप ऑफ रिसेप्टर को रिकॉग्नाइज कर सकता है और सबसे मतलब बेकार बात क्या है इसके बारे में में कि जो अडेप्टिव इम्यूनिटी है उसकी वजह से ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कॉज होते हैं अवर इम्यून सिस्टम एक्टिवेट अगेंस्ट सेल्फ एंटीजन की ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होंगे हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो हमारे ही Uh, जो सेल्फ एंटीजन है उनके अगेंस्ट एक्टिवेट होगा और डिस करेगा उन सेल्फ सेल को जिसकी वजह से ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होंगे कि हमारी जो इम्यूनिटी है वो कॉम्प्रोमाइज होगी हमारी जो uh, खुद की सेल्स हैं उनको किल किया जाएगा तो ये है अबाउट एक्वायर्ड एंड इन्नेट इम्यूनिटी और इसके पूरे कम्पोनेंट्स इतना मोर दैन इनफ है फिर भी अगर आप इसमें और एड ऑन करना चाहते हैं तो जो पाथ फाइंडर की बुक है उससे एड ऑन कर सकते हैं अदरवाइज इतना मोर दैन इनफ है आई होप आपको ये पूरा जो इन्नेट एंड एक्वायर इम्यूनिटी का जो टॉपिक है वो समझ में आया होगा इसके नोट्स ये आप लिख लेना आराम से या फिर यहीं से आप पढ़ सकते हैं Thank you for watching my videos.